नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे मेवा पाक जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ और एकदम खस्ता बना है। और इसे बनाने में जरा भी घी का उपयोग नहीं किए हैं। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ और ये गुड़ में बना है। इसे कोई भी खा सकते हैं, जिन्हें शुगर भी होगा वो भी खा सकते हैं। इसमें चीनी जरा भी उपयोग नहीं की है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लिए हैं, इसमें पिस्ता बादाम डाल दिए हैं और इसे रोस्ट कर लेंगे। इसे इतना रोस्ट करना जब तक ये चटक कर फूटने नहीं लगेगा, फूल जाएगा और फटने लगेगा ये। इसे तब तक रोस्ट करना है। तो देखिए ये हल्का हल्का फूलने लगा है और फूल कर ये फटने लगेगा, तब ये पूरा अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा। तो देखिए फट गया है। अब इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे वरना इसमें सोनापन ज़्यादा आ जाएगा। देखिए बादाम अच्छे से भून चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी में डालेंगे खरबूजे का बीज और इसे भी हल्का रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का सुनहरा रंग होने तक रोस्ट करेंगे। इसका जो नमी होता है उसे ख़त्म करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। तो देखिए अगर पैन ज़्यादा गर्म हो तो गैस ऑफ कर दें और हल्का हल्का चलाते रहें और भूनिए। तो देखिए ये भी रोस्ट हो चुका है। तो अब इसी पैन में डालेंगे खीरे का बीज, इससे भी हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए इसका भी नमी लगभग ख़त्म हो चुका है। तो इसे भी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में लेंगे नारियल पाउडर, कोकोनट, ये रेडीमेड है कोकोनट पाउडर, इसे भी बिना घी का भून लेंगे और इसे भी नमी ख़त्म होने तक भूनेंगे और इस तरह से चलाते रहें, छोड़े नहीं वरना जल जाएगा। तो देखिए ये भी भून चुका है, इसे भी एक बर्तन में अलग करके निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें भूनना है। तो अब लेंगे उसी पैन में थोड़ा सा पानी, पहले पानी डालेंगे थोड़ा सा, उसके बाद गुड़ डालेंगे। जब गुड़ मेल्ट होगा तो जलेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा पहले पानी डालेंगे। और गुड़ जो है फ्रिज में रखे हुए थे तो थोड़ा हार्ड हो गया है, और ये गुड़ जो है खजूर का है, ये सर्दियों के मौसम में मिलता है और इसे फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। जब नहीं मिलता है मार्केट में तो हम इसे यूज करते हैं। तो देखिए गुड़ मेल्ट होने के लिए रख दिए हैं मीडियम फ्लेम पे और इधर पीस रहे हैं ग्राइंडर में। बादाम को पहले पीस लिए हैं और खरबूजे का बीज भी डाल के तो इसे पाउडर बना लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, मीडियम रखेंगे। देखिए इस तरह से हमें पाउडर बना लेना। अब बीच बीच में इसे भी चलाते रहेंगे। देखिए गुड़ जो है मेल्ट हो गया है। अब इसे तार वाली चाशनी बना लेंगे। तो देखिए इधर चाशनी भी रेडी होने वाला है। तो इसे दो तार की चाशनी बनाएंगे, इससे जो है मेवा पाक खस्ता बनेगा और जिनके दांत भी नहीं होंगे वो भी खा लेंगे, ये बिना दांत वाले भी खा लेंगे। इस तरह से बनाने से खस्ता बनता है। और इसमें डालने हैं 1/4 कप और थोड़ी सी इलायची पाउडर, अगर आप चाहे तो सौंफ पाउडर भी करके डाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन साबुत डाले। तो देखिए चाशनी बन के रेडी हो चुका है। अब गैस को कर देंगे ऑफ और इसमें डालेंगे मिश्रण जो बना के तैयार रखे हैं उसे इसमें डाल देंगे। तो देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। हाँ चाशनी हल्का ठंडा हो चुका है, तो सारे मिश्रण को इसमें डाल देंगे। आराम से डालें नहीं तो छींटा पड़ेगा चाशनी का, तो
जलने का डर है, आराम से डालेंगे, ध्यान से इसे चलाएंगे, धीरे 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 करके चलाएंगे। तो देखिए अच्छे से इसे मिला लेंगे धीरे धीरे करके। अभी गैस को ऑफ करके रखे हुए हैं, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर करेंगे गैस को ऑन और इसे 1 से 2 मिनट पकाएंगे। देखिए गैस ऑफ है, अभी ये मिक्स हो गया है अच्छे से, तो गैस को करेंगे ऑन। ऑन कर लिए हैं, इसे इतना पकाना है जब तक ये पैन छोड़ दे। देखिए धीरे धीरे सारे छोड़ने लगे हैं। देखिए 1 से 2 मिनट इसे पकाएंगे, ज़्यादा नहीं वरना ये सूखने लगेगा और भूर भूरा बन जाएगा। तो देखिए ये बनकर रेडी हो चुका है। अभी तक इसमें बिल्कुल भी घी यूज नहीं किए हैं। तो अब एक प्लेट या जो भी बर्तन लेना चाहें उसमें आप थोड़ा सा घी या रिफाइंड ऑयल लगा लें और तब इसे डालें। देखिए इसे जल्दी जल्दी डालना रहता है और इसे फैला लें जल्दी सा। आप मोटा चाहे पतला रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से सेट कर लिए हैं। आप चाहे तो इसमें काजू पिस्ता या फिर चिरौंजी दाना से आप इसे ऊपर से सजा सकते हैं। और थोड़ा गर्म में ही डालिएगा, यहाँ पे थोड़ा ठंडा हो गया है, ये बहुत जल्दी जम जाता है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना रहता है इस टाइम में। तो इस तरह से दबा दीजिएगा और इसे मीडियम जब ठंडा होगा तब इसे कट करेंगे। इसे पूरा ठंडा नहीं करेंगे वरना उस पूरा ठंडा करके काटेंगे तो कटेगा नहीं, सारे टूट जाएंगे। तो देखिए मीडियम ठंडा तभी हम कट कर रहे हैं। और इसे स्क्वायर पीट पीस में करेंगे। आप चाहे तो जिस भी शेप में देना चाहें इसे दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से सारे कट कर देंगे। और इसे कट करके इसी तरह छोड़ देंगे, निकालेंगे नहीं। जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा तब इसे अलग अलग करके निकालेंगे वरना टूट जाएगा सब। इसे सेट होने के लिए करीब 1 घंटा के लिए रख देंगे, 1 घंटा काफ़ी है। तो दोस्तों हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए बन के तैयार हो चुका है और एकदम खस्ता बनता है, इसे कोई भी खा सकते हैं, बिना दांत वाले भी खा सकते हैं और जिन्हें शुगर की बीमारी है वो भी खा सकते हैं, क्योंकि ये गुड़ में बना है, बिल्कुल भी चीनी इसमें यूज नहीं किए हैं, तो ये कोई भी खा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट।